लखनऊ सुपर जायंट ने गुजरात टाइटंस को हराकर जीता आईपीएल 2024 का तीसरा मुकाबला। यश ठाकुर की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुए गुजरात के बल्लेबाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आप भी यश ठाकुर की घातक गेंदबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए बेहद ही शानदार मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को एक और मुकाबले में शानदार जीत मिली है। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस बेहद ही शानदार मुकाबले को देखकर खुश है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला केएल राहुल ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। तो दोस्तों, क्यूटन डीकॉक के साथ केएल राहुल पारी की शुरुआत करने उतरे तो पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर क्यूटन डीकॉक के बल्ले से एक कमाल का छक्का देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने डीप बैकवर्ड्स कार्ले के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले का टॉप एज लगा और यहाँ पर नूर अहमद ने शानदार कैच पकड़ा और सफलता मिल गई यहां पर गुजरात टाइटंस को। क्यूटन डीकॉक को पेवलियन भेजा उमेश यादव ने। उन्होंने चार गेंदों का सामना किया और छः रन बनाए। इसके बाद दोस्तों, यहां पर देवदत्त पड्डीकल क्रीज पर उतरे तो वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर उनका कैच विजय शंकर ने पकड़ा और देवदत्त पड्डीकल इस मुकाबले में भी एक बार फिर अपनी खराब फॉर्म को जारी रखा और सात गेंदों पर सात रन बनाकर वो पेवलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, चौथे ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल के बल्ले से एक कमाल का चौका देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन की तरफ भेजा। इसके बाद मार्कुस स्टोइनिस ने भी इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ दिया। अब दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को संभल कर आगे बढ़ाना शुरू किया। इसी बीच पांचवें ओवर की पांचवीं गेंद पर एक स्ट्रेट ड्राइव शॉट के जरिए उमेश यादव की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा मार्कुस स्टोइनिस ने। तो वहीं पर छः ओवर में टीम ने पावर प्ले में 42 रनों तक स्कोर को पहुँचाया। इसके बाद आठवें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। इसके बाद नौवें ओवर की चौथी गेंद तक दोनों बल्लेबाजों के बीच 40 गेंदों पर 52 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। इसके बाद एक और चौका ग्यारहवें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्कुस स्टोइनिस के बल्ले से मिड विकेट की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, केएल राहुल तेरहवें ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो राहुल तेवटिया को अपना कैच थमा बैठे और केएल राहुल के रूप में गुजरात टाइटंस की टीम को बड़ी सफलता मिल गई। हम बात करें केएल राहुल की तो 31 गेंदों का सामना करने के बाद 33 रन बनाकर वो पेवलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, यहां पर 15वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार छक्का दर्शन नालकंडे की गेंद पर लगाया और इस छक्के के साथ ही मार्कुस स्टोइनिस ने शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इनकी कमाल की बल्लेबाजी रही। अर्धशतक के बाद दोस्तों, इसी ओवर की चौथी गेंद पर इनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला वाइड लॉन्गोन के ऊपर से और इस बार भी कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया। लेकिन इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद टॉप एज लगा और वहीं पर खड़ी हो गई और इसके बाद विकेट कीपर शरत ने शानदार कैच पकड़ा और दर्शन नालकंडे ने मार्कुस स्टोइनिस को भी पेवलियन भेज दिया। स्टोइनिस की बात करें तो 43 गेंदों का सामना करने के बाद 58 रनों की पारी खेलकर वो पेवलियन लौटे। इसके बाद क्रीज पर उतरे आयुष बदोनी ने 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका उनके बल्ले से भी देखने को मिला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की दूसरी गेंद जो कि मोहित शर्मा ने डाली, इस गेंद पर एक अद्भुत शॉट खेलते हुए लॉन्गोन के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा निकोलस पूरन ने। ये आज के मुकाबले में उनका पहला छक्का था। इसके बाद दोस्तों, 18वें ओवर की चौथी गेंद का सामना कर रहे थे आयुष बदोनी तो उन्होंने लॉन्गोन की तरफ गेंद को शानदार तरीके से खेला और एक बार फिर चौके के लिए भेज दिया बाउंड्री लाइन की तरफ। तो वहीं पर ओवर की पाँचवीं गेंद पर भी बैकवर्ड पॉइंट की तरफ उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और इस ओवर में दो बेहतरीन चौके लगे। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहां पर 19वें ओवर में पहली ही गेंद पर राशिद खान के बड़ा शॉट खेलना चाहते थे आयुष बदोनी, लेकिन यहाँ पर गेंद सीधे हाथों में गई उमेश यादव के और बदोनी 11 गेंदों पर 20 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों, 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर राशिद खान की गेंद को शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा डीप स्क्वायर लेग की तरफ निकोलस पूरन ने। तो वहीं पर इसके बाद 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने स्पेंसर जॉनसन की गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से ही एक बार फिर छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, वापसी
एफिशिएंसी अच्छी रही आखिरी ओवर में भी स्पेंसर जॉनसन की, जिसके चलते लखनऊ सुपर जायंट्स 20 ओवर में 163 रन बना पाई और 164 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम के लिए आज साई सुदर्शन और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों टीम की शुरुआत अच्छी हुई जब दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर एक चौका यहां पर एच के जरिए लगा साई सुदर्शन के बल्ले से। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार शॉट उन्होंने खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद मयंक यादव जब गेंदबाजी करने आए चौथे ओवर में, तो उनकी पहली गेंद पर साई सुदर्शन के बल्ले से सामने की तरफ शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट स्क्वायर लेग की तरफ खेला और इस बार भी गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा साई सुदर्शन ने। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी शुभमन गिल ने मयंक यादव की गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के लिए भेज कर 13 रन बटोर लिए। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए छठे ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक शानदार चौका शुभमन गिल के बल्ले से पॉइंट की तरफ देखने को मिला और इस चौके के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच 37 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। लेकिन दोस्तों पावर प्ले की आखिरी गेंद पर यश ठाकुर ने शुभमन गिल को बोल्ड करके पेवलियन भेजा और बड़ी सफलता दिला दी यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स को। यहां पर दोस्तों शुभमन गिल की बात करें तो वो 21 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 19 रन बनाकर पेवलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज केन विलियमसन क्रीज पर उतरे, लेकिन दोस्तों वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनको रवि बिश्नोई ने कॉटिन बोल्ड करके पेवलियन भेजा। एक कमाल का कैच उन्होंने पकड़ा और यहां पर केन विलियमसन की पारी को समाप्त किया और मैच को यू टर्न कर दिया पूरी तरीके से। यहाँ पर विलियमसन 5 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की पहली गेंद पर कुणाल पांड्या की गेंद पर भी यहाँ पर एक और सफलता मिली साई सुदर्शन के रूप में। ये बड़ी सफलता की थी क्योंकि साई सुदर्शन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो भी रवि बिश्नोई को अपना कैच थमा बैठे और 23 गेंदों का सामना करने के बाद 31 रन बनाकर पेवलियन लौटे। इसके बाद यहां पर शरद क्रीज पर उतरे जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, लेकिन उनको भी 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर ही आयुष बदोनी के हाथों कैच कराकर कुणाल पांड्या ने पेवलियन भेज दिया और शरद अपने पहले ही मुकाबले में कुछ भी खास नहीं कर पाए और 5 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाकर पेवलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों दर्शन नालकंडे क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर सामने की तरफ एक शानदार छक्का लगाया, लेकिन इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर जो कि कुणाल पांड्या ने डाली, इस पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे दर्शन नालकंडे, लेकिन यहां पर वो अपना कैच यश ठाकुर को थमा बैठे और एक और सफलता यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को मिल गई। दर्शन नालकंडे 11 गेंदों का सामना करने के बाद 12 रन बनाकर पेवलियन लौटे। इसके बाद 14वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार छक्का विजय शंकर के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर यश ठाकुर ने विजय शंकर को विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच कराकर पेवलियन भेजा। विजय शंकर इस मुकाबले में 17 गेंदों पर 17 रन बनाकर पेवलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज राशिद खान क्रीज पर उतरे तो उनको भी 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर दीपक हुड्डा के हाथों कैच कराकर पेवलियन भेज दिया यश ठाकुर ने और एक और सफलता उन्हें मिल गई। हम बात करें राशिद की तो वो दोस्तों 3 गेंदों का सामना करने के बाद 0 रन पर ही चलते बने। इसके बाद उमेश यादव भी एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर वो भी क्यूटन डिकॉक को अपना कैच थमा बैठे और वो भी चलते बने। 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर वो आउट हुए। इसके बाद 17वें ओवर की पहली गेंद पर राहुल तेवटिया के बल्ले से एक शानदार छक्का देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद राहुल तेवटिया का अच्छा परफॉर्मेंस जारी था जब उन्होंने दोस्तों 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का लगाने में वो कामयाब हुए, जब यश ठाकुर की गेंद को उन्होंने स्टैंड में डिपॉजिट किया डीप मिड विकेट के ऊपर से। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर यश ठाकुर ने शानदार वापसी की और निकोलस पूरन के हाथों कैच कराकर राहुल तेवटिया को पेवलियन भेज दिया। उन्होंने 25 गेंदों पर 30 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहां पर 5 विकेट हॉल पूरा किया यश ठाकुर ने, जब उन्होंने नूर अहमद को भी क्यूटन डिकॉक के हाथों कैच कराकर पेवलियन भेज दिया और मात्र 30 रन देकर 5 सफलताएं प्राप्त की उन्होंने और इतिहास रच दिया। और यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को 33 रनों से शानदार जीत मिली इस मुकाबले में। तो दोस्तों आपको यह मुकाबला कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।